Amir also? Join you to host the award maybe next year. The three of you go. He doesn't go. Debut of the year. It's Amir Khan. Amir Khan. To Amir once again. आपको ध्यान है कि आप एक अवार्ड लेने गए थे स्टेज पर और आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला. मैंने सुना है कि अवार्ड मिलने के पहले आप जेब में पैसे डालकर एडिटर के सामने गए थे और कहा था कि ये लो पैसे और अवार्ड दे दो. जब आदमी को वांट होती है, डिजायर, चाह होती है किसी चीज की बहुत, तो बहुत घटिया बन जाता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए. तो मुझको अवार्ड्स की बहुत चाह है. So I was very desperate to get a best actor. Only people who don't have that confidence in themselves, they want awards. I would not go up and pick up a Filmfare award. I would not go up and pick up an Instagram. Just like Abhi, there are 3-4 awards that they contacted me for. I didn't want to go and pick them up. National award mile, that's prestigious, that I'll go and pick it up. But I will not go to a magazine that is running on our strength. Understand? के आपके इंटरव्यू पे और यू नो स्टार्स के इंटरव्यू पे ये मैगजीन चल रही हो, वही आपको बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये वी आर गोइंग टू गिव यू एन अवार्ड, यू कम एंड परफॉर्म दिस दैट ये वो, एंड देन दे सेल इट टू पान पराग और मानिक चंद वट एवर, एंड वी आर लाइक इडियट्स इन ऑन द एंड सूट वूट पहन के बैठे हैं और अवार्ड ले रहे हैं. एंड वन इज दिस लाइक टुमारो माई ड्राइवर एंड माई सर्वेंट एंड माई बॉय एंड माई मेकअप मैनेजर का बाबा आज हम तुमको अवार्ड देते हैं. क्योंकि मैं ये बहुत वक्त से कह रहा हूँ और मुझे मुझ पर कई दफ़ा आप लोगों ने तंजिया सवाल भी पूछा है कि आप ऑस्कर के लिए चले जाते हैं और यहाँ नहीं जाते, हिंदुस्तानी अवार्ड में कोई कमी नज़र आती है आपको? और ये बात मैं भरम एक दफ़ा और फिर दूर कर दूँ, दो हिंदुस्तानी अवार्ड हैं, दो जिसमें मैं गया हूँ और उसके बारे में आप कभी रिपोर्ट नहीं करते. एक दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है, उस संस्था के लिए मेरे दिल में बेहद इज्जत है, तो मैं वहाँ गया, सर झुका के हाथ जोड़ के मैंने अवार्ड लिया क्योंकि मुझे बेहद खुशी हुई कि मुझे वो पुरस्कार मिला. और दूसरा अवार्ड जो मैंने कबूल किया है वो गोलापुरी अवार्ड्स हैं चेन्नई में. वो एक संस्था ऐसी है जो एक लड़का था जो अपनी पहली फिल्म बना रहा था, जिसकी फिल्म के शूटिंग के दौरान डेथ हो गई, उसके फैमिली ने उसके नाम पे ये अवार्ड शुरू किया है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट फॉर मी, इफ आई हैव वैल्यू इन माई हार्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था मुझे इज्जत दे रही है, पहले मेरे मन में उनके लिए इज्जत होनी चाहिए, तो मैं जाऊंगा और उनसे खुश होऊंगा कि इन्होंने मुझे इज्जत दी है. और जहां पे मुझे इज्जत नहीं मिलती और जहां पे मुझे लगता है कि मैं मेरे दिल में मान नहीं है किसी संस्था के लिए, तो मैं वहां क्यों जाऊं, ना अपना अपमान करने ना उनका अपमान करना. मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूं बस, और कुछ. मैं फिल्में बनाता हूँ, आप लोग अवार्ड दीजिए, मैं फिल्में बनाऊंगा और आप जिसको चाहें आप दे सकते हैं अवार्ड. नहीं, मेरे लिए तो सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो हमारी ऑडियंस का जो रिएक्शन है, उनका जो प्यार है, उससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज़ नहीं. नहीं मतलब मैं अवार्ड्स के बारे में कुछ बोलते ही नहीं हूँ.